प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ विक्रम सिंह। विजय सिंगला साबका मंत्री हो गए ने, सेहत मंत्री सी विजय सिंगला ट्रैप होया और उस तो बाद विजय सिंगला दा स्टिंग ऑपरेशन होने तो बाद फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट चो कढ़िया। उस तो बाद पहली तस्वीर सामने आई है डॉक्टर विजय सिंगला दी। विजय सिंगला दा पहला सी क्लिनिक तुहानू दिखाया, हुण विजय सिंगला दी कोर्ट दे विच पेशी होई है। विजय सिंगला दी पहली तस्वीर सामने आई है। विजय सिंगला नू कोर्ट च पेश किया गया। विजय सिंगला दे ओएसडी दे भी एफआईआर दर्ज हुई है। ओएसडी दे थ्रू जो है रिश्वत लई जांदी सी, रिश्वत दी रकम लई जांदी सी और विजय सिंगला ते ओएसडी नू 4 दिनां दे लई रिड़केगी पुलिस। 4 दिनां दा रिमांड जिहड़ा मिलिया पुलिस नू, 4 दिन रिड़केगी विजय सिंगला ते विजय सिंगला दे ओएसडी नू पुलिस वल्लों 4 दिन पुछगिछ की जाएगी। 27 तरीक तक रिमांड दिता है पुलिस ने और एक्सक्लूसिव तस्वीर जड़िया ने कोर्ट तो सीधिया तस्वीर देख पा रहे हो तुसी। डॉक्टर विजय सिंगला ते सिंगला दे ओएसडी नू कोर्ट च पेश किया जा रहा है। सर्कल लगियां तस्वीर जड़िया, चिट्टा कुर्ता पजामा पाया होया देख सकते हो। नेताजी की पूरी टौर सी अज तड़के तक, सवेर तक पूरी टौर सी, पर हुण नेताजी ते दाग लग गया। नेताजी के कुर्ते ते भी दाग लग गया और नेताजी हो गए ने करप्ट। करप्शन का वड्डा चार्ज लग चुका है विजय सिंगला के उपर। डॉक्टर विजय सिंगला साबका सेहत मंत्री जो कि रिश्वत की मोटी रकम लेंदे सी, उसनू 4 दिन के रिमांड से भेज दिता गया। 4 दिन रड़केगी पुलिस, 4 दिन रड़के पुछगिछ की जाएगी किदे तो रिश्वत लई, कितों पैसा आया, किवें पैसा लिया, तमाम चीज़ों लैके पुछगिछ की जाएगी। एक्सकलूसिव तस्वीर जड़ियां ने देख पा रहे हो तुसीं। प्रो पंजाब टीवी सीधियां तस्वीर तुहानू दिखा रहा है, सीधा कोर्ट तो तस्वीर दिखा रहे हैं तुहानू और कोर्ट के अंदरों जिस तरीके दे नाल विजय सिंगला की छुट्टी हुई है और इस तो बाद हुण विजय सिंगला की छुट्टी तो बाद सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की सारी लीडरशिप जी है, आम आदमी पार्टी की सारी लीडरशिप जी है वो सलाघा कर रही है मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस फैसले की। पर इस दे नाल ही सवाल चुके जा रहे हैं और इस दे नाल ही कहा जा रहा है करियर जड़ा करियर खत्म हो चुका है विजय सिंगला का। शुरू होया करियर वड्डे एलीगेशन विजय सिंगला ते लगदे और उस तो बाद हुण 4 दिन रिड़केगी पुलिस और विजय सिंगला जो है उस दियां पहलियां तस्वीरां जिहड़ियां ने वो सामने आईयां ने। प्रो पंजाब टीवी तुहानू सिद्धियां तस्वीरां दिखा रहा है और इस दे नाल ही तुसी देख पा रहे हो कि तस्वीरां च नज़र आ रहे डॉक्टर विजय सिंगला। सर्कल लगी हुई जिहड़ी तस्वीर है विजय सिंगला ते विजय सिंगला दे जो ओएसडी सी उसनू पेश किया गया कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर विजय सिंगला ते विजय सिंगला दे जो है ओएसडी है उसनू पेश किया गया है और कोर्ट के अंदर देख पा रहे हो तुसी एक बन्ने पुलिस लगी हुई है और ये उस तो पहला दे इंतजाम ने जड़े और जिमें गड्डी दे विच लिया जाता विजय सिंगला नू और फिर मानसे वाले उही एमएलए ने जो मूसे वाला नू हराया तो फिर गड्डी ते एक वीडियो इन्हों का वायरल होया सी, पट्टा ते थापियां मारते नजर आ रहे सी और सोशल मीडिया से चीज़ां वायरल हो रही ने कि करप्ट बंदियां नू पट्टां ते थापियां नहीं मारनियां चाहीदियां। इस तरह दियां गल्लां लोक लिख रहे ने सोशल मीडिया से और तुसीं इस फैसले नू किवें देखदे हो, तुहानू किवें लग्या अपने ही मंत्री के खिलाफ कार्रवाई का फैसला भगवंत मान होना का, यह भी तुसीं कमेंट करके अपनी राय जी कमेंट बॉक्स च रख सकते हो। तो इस दे नाल ही अहम खबर जी है असीं तुहानू दस रहे हां और एन मार्ट रजनीश मलोचा लिख रहे ने अपना का मार के टंग दिता चलो कुछ तो किया ये लिख रहे हैं और इस दे नाल ही तस्वीर जिहड़ियां ने मौके दियां तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो। सीधियां तस्वीरां दे विच साफ तौर पर नज़र आ रहा कि किस तरीके दे नाल जो डॉक्टर विजय सिंगला ने विजय सिंगला के खिलाफ कार्रवाई हुई है और विजय सिंगला उही मंत्री ने मानसा तो आउंदे ने विजय सिंगला। इन्हों का अपना एक क्लीनिक है मानसा के अंदर डेंटल का और मूसे वाला का जो बयान आया इसने कहा कि डॉक्टर विजय सिंगला ने इलेक्शन समय कि मेरे तो मूसे वाला दंदा का इलाज करा के गया सी और उस तो बाद फिर बहुत मूसे वाला ट्रोल होंगे ने। मूसे वाला कहें कि भाई मैं तो पैसे भी दे के आया सी, इस तरह की गल आ सामने और उस तो बाद अज मूसे वाला ने भी चुटकी ली है। मूसे वाला ने भी तंज कसया साफ तौर पर, सिद्धू मूसे वाला ने तंज कसया। फिलहाल तस्वीर जिहड़ियां तुहानू दिखा रहे हैं कोर्ट रूम तो लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, कोर्ट के अंदर पेश किया गया है और इस दे नाल ही बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि चलो इस तो सबक लैणगे लोग और आम आदमी पार्टी दे जो ज़्यादातर लीडर ने वो कह रहे हैं कि पार्टी दे विच्चों कढ़िया जाए। आम आदमी पार्टी दे विधायकों ने मंग चुकी है कि दागियां दे लई कोई जगह नहीं है आम आदमी पार्टी के अंदर, ये मंग चुकी है
मालविंदर कंग ने, दिनेश चड्ढा होना ने और होर भी अनमोल गगनमान होना ने भी इस तरह की मंग चुकी है। और एक वकील का भी बयान आया, वो पूरा बयान एक बार तुहानू सुनाउने आ कि वकील इस मसले नू लैके की कह रहे हैं। तो इस दे नाल ही तस्वीर जिहड़ियां ने देख रहे हो कोर्टरूम तो सीधियां लाइव तस्वीर, डॉक्टर विजय सिंगला की पहली तस्वीर, डॉक्टर विजय सिंगला जो कोर्ट के अंदर पेश किया गया। डॉक्टर विजय सिंगला अज सवेर तक पता ही नहीं सी कि सिंगला कित्थे ने, और मोहाली अदालत के अंदर पेश किया गया विजय सिंगला, जिथे कोर्ट ने रिमांड से भेज दिता है विजय सिंगला, और 27 मई तक पुलिस रिमांड से विजय सिंगला भेजा गया है। और साफ तौर पर जिस तरीके दे नाल विजय सिंगला ते विजय सिंगला दे ओएसडी नू रिमांड ते लिया, रिमांड दा जिहड़ा रिमांड दिता गया है, पुलिस रिड़केगी 3 दिन इन्हां नू विजय सिंगला ते विजय सिंगला दे ओएसडी नू, पुछ पड़ताल होएगी, पुलिस पुछगिछ करेगी कि कित्थों कित्थों पैसे लए, कित्थों कित्थों पैसे लैने सी, हुण तक किन्नी रिश्वत लई आ विजय सिंगला ने। और विजय सिंगला देख पा रहे हो निराश जिहे होके आ रहे ने हुण कोर्ट दे अंदर, पुलिस दे पुलिस दीआं गड्डियां अगे पिछे हुंदियां सी, पायलट गड्डियां अगे पिछे हुंदियां सी विजय सिंगला दे, पर हुण सारे बन्नों पुलिस ने घेरा पाया होया, एक अपराधी दे तौर ते विजय सिंगला नूं लिआंदा गया है और विजय सिंगला नूं कोर्ट दे अंदर पेश किया गया है। तो पेश करके कोर्ट ने जिहड़ा रिमांड दिता गया है, वकील की कह रहे हैं वह भी जरा सुनाउने तुहानूं किया गया इन्हां नूं ऑन द ग्राउंड की व्हाट्सएप कॉल व्हाट्सएप चैट रिगार्डिंग इनवॉल्वमेंट इन्हों की जो अलैज प्रोसीक्यूशन कर रहे हैं जेहड़ा कि इस गलत है गलत तथ्यों पर आधारित है। तो मेरे वालों ये इन्हों किया गया कि नहीं ये रिमांड पॉसीबल नहीं है, क्योंकि जो भी हैगी व्हाट्सएप कॉल व्हाट्सएप डिटेल जिहड़ा मोबाइल फोन है सिम दे विच रिकॉर्ड होकर कंपनियां कन्नी प्रोवाइड की जा सकती है, इस वास्ते रिमांड की जरूरत नहीं है। लेकिन जज साहब ने 3 दिन का फिर भी रिमांड रिगार्डिंग इनवॉल्वमेंट इन्हां दी जो अलैज प्रोसीक्यूशन कर रहे हैं जिहड़ा कि इस गलत है गलत तथ्यों पर आधारित है। तो मेरे वालों ये इन्हां नूं किया गया कि नहीं ये रिमांड पॉसीबल नहीं है, क्योंकि जो भी हैगी व्हाट्सएप कॉल व्हाट्सएप डिटेल जिहड़ा मोबाइल फोन है सिम दे विच रिकॉर्ड होकर कंपनियां कन्नी प्रोवाइड की जा सकती है, इस वास्ते रिमांड की जरूरत नहीं है। लेकिन जज साहब ने 3 दिन का फिर भी रिमांड रिगार्डिंग इनवॉल्वमेंट इन्हां दी जो अलैज प्रोसीक्यूशन कर रहे हैं जिहड़ा कि इस गलत है गलत तथ्यों पर आधारित है। तो मेरे वालों ये इन्हां नूं किया गया कि नहीं ये रिमांड पॉसीबल नहीं है, क्योंकि जो भी हैगी व्हाट्सएप कॉल व्हाट्सएप डिटेल जिहड़ा मोबाइल फोन है सिम दे विच रिकॉर्ड होकर कंपनियां कन्नी प्रोवाइड की जा सकती है, इस वास्ते रिमांड की जरूरत नहीं है। लेकिन जज साहब ने 3 दिन का फिर भी रिमांड रिगार्डिंग इनवॉल्वमेंट इन्हां दी जो अलैज प्रोसीक्यूशन कर रहे हैं जिहड़ा कि इस गलत है गलत तथ्यों पर आधारित है। तो मेरे वालों ये इन्हां नूं किया गया कि नहीं ये रिमांड पॉसीबल नहीं है, क्योंकि जो भी हैगी व्हाट्सएप कॉल व्हाट्सएप डिटेल जिहड़ा मोबाइल फोन है सिम दे विच रिकॉर्ड होकर कंपनियां कन्नी प्रोवाइड की जा सकती है, इस वास्ते रिमांड की जरूरत नहीं है। लेकिन जज साहब ने 3 दिन का फिर भी रिमांड रिगार्डिंग इनवॉल्वमेंट इन्हां दी जो अलैज प्रोसीक्यूशन कर रहे हैं जिहड़ा कि इस गलत है गलत तथ्यों पर आधारित है। तो मेरे वालों ये इन्हां नूं किया गया कि नहीं ये रिमांड पॉसीबल नहीं है, क्योंकि जो भी हैगी व्हाट्सएप कॉल व्हाट्सएप डिटेल जिहड़ा मोबाइल फोन है सिम दे विच रिकॉर्ड होकर कंपनियां कन्नी प्रोवाइड की जा सकती है, इस वास्ते रिमांड की जरूरत नहीं है। लेकिन जज साहब ने 3 दिन का फिर भी रिमांड रिगार्डिंग इनवॉल्वमेंट इन्हां दी जो अलैज प्रोसीक्यूशन कर रहे हैं जिहड़ा कि इस गलत है गलत तथ्यों पर आधारित है। तो मेरे वालों ये इन्हां नूं
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਸਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਅਗਰ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਤੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਲੈਜ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਸਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਅਗਰ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਤੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਲੈਜ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਰਿੜਕੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਸਨ ਨਾਲ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ 66 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 66 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਇੱਕ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਘੱਟ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ OSD ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਿੜਕੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ OSD ਦਾ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੁਕੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ